शहर के राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में कोरोना मरीजों को आइसोलेट करने के लिए बनाए गए वार्ड में अव्यवस्थाओं के कारण वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित रोगियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी मिली कि वार्ड में लाइटें बंद पड़ी है और अधिकांश पंखे बंद हैं, जिसके चलते गर्मी के इस मौसम में रोगियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वार्ड भर्ती रोगियों के परिजनों ने बताया कि वार्ड में साफ सफाई के अभाव में शौचालयों की हालत खराब है। मारे गंदगी और बदबू के कारण रोगियों और परिजनों को शौचालय में जाने में परेशानी है। रोगी परिजन गौरव सोनी ने बताया कि वार्ड में लगे चार पंखों में सिर्फ एक ही पंखा चल रहा है और वार्ड की लाइटें बंद है। साथ ही पीने के पानी की भी व्यवस्था वार्ड में नहीं है। वार्ड में रोशनी के अभाव में रात के समय रोगी को कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। कि इसी प्रकार जो रोगी परिजन सोहनी देवी है, उन्होंने बताया कि वार्ड में साफ सफाई का भी अभाव है, जिसके कारण शौचालयों में गंदगी का आलम है। गंदगी के कारण रोगी और परिजन शौचालय के लिए कहां जाए। इस संदर्भ में जब अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में वार्ड से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। अगर ऐसे हालात हैं तो अस्पताल के इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर लाइट और पंखे आदि दुरुस्त करवा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में विद्युत रखरखाव हेतु टेंडर हो चुके हैं, सामान की कोई कमी यहां पर नहीं है। मालूम हो कि एकेएच में आइसोलेशन वार्ड को कोरोना संक्रमित रोगियों को आइसोलेट करने के लिए कोरोना वार्ड बना रखा है, जहां पर संक्रमित रोगियों को आइसोलेट किया जा रहा है। कोरोना वार्ड में लाइटें बंद पड़ी है, मैं बाथरूम में जावा तो किसान जावा। पूरे हॉस्पिटल में लाइटें बंद है, कोरोना वार्ड में अंदर जावा बाथरूम में तो जावा डरपा में। इधर मेरे पिताजी कोरोना से पीड़ित के सख्त के अंदर यहाँ पे इनको भर्ती किया गया आइसोलेशन वार्ड में। यहाँ आने के बाद मैंने देखा है कि यहाँ चार पंखे लगे हैं जिसमें सिर्फ एक पंखा चल रहा है। फिर जब मैं बाथरूम करने यहाँ आया तो काफी गंदगी भी है और पानी भी नहीं है। और फिर रात में जब मेरे को लाइट की जरूरत पड़ी तब यहाँ लाइट भी पूरी तरीके से नहीं चल रही है। सारे बटन चालू करके देख लिए मैंने, ना तो कोई स्विच चलता है ना कोई बल्ब लगा है। यहाँ पर काफी असुविधा मेरे को महसूस हुई है। जब अगर मेरा यह हाल अगर कोई लेडीज आएगी यहाँ पे तो वह कैसे अपनी सुविधा को उपलब्ध करेगी। ब्यावर के अंदर अमृतपुर काफी अच्छा नाम मानते हैं और किसी भी जगह पर अगर ऐसा हाल हो तो कितनी बदनामी होगी ब्यावर की और साथ ही इसके बड़े इतने बड़े हॉस्पिटल की। सूचना प्राप्त हुई है कि आइसोलेशन वार्ड के अंदर लाइट और पंखों की कुछ अव्यवस्था है, वहाँ पर पंखे नहीं चल रहे हैं। तो इस संदर्भ में मेरा कहना है कि मुस्तक अभी सूचना आई नहीं वार्ड इंचार्ज से कि वो लाइटें या पंखे खराब है। अभी सूचना प्राप्त हुई तो अभी हर चीज को बुला करके वो दिखाते हैं क्या स्थिति है। सामान की कोई कमी नहीं है, सामान का टेंडर सब हो चुके हैं। सूचना आने पर तुरंत प्रभाव से लाइटों पंखों को ठीक करा दिया जाएगा।